तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आकाश एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मेरे साथ हैं जन्नत यूनिवर्सल के ओनर। तो भाई कैसे हो आप। बिल्कुल ठीक सर। तो भाई मैं आज डायरेक्टली जो हमारे कस्टमर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछने वाला हूँ। तो उसमें कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ ताकि जो हमारे कस्टमर है वो डायरेक्टली पूछते हैं बट उनको रिप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो भाई मेरा जो सबसे पहले मैं लिख के ले गया हूँ वो ये है कि आपके पास जो शूज होते हैं वो कितने से स्टार्ट है और कितने पर खत्म है, पहला तो ये बताओ। मेरी दो शॉप है। हाँ जी। एक में 140 से लेके 200 तक है और एक में है 230 से लेके 350 तक। ओके भाई, ये सारा इंडियन है मेरे पास। सारा इंडियन है। इंपोर्टेड शूज की नहीं है। इंपोर्टेड नहीं, अभी आपने बंद कर दिया इंपोर्टेड बंद कर दिया। इस वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। अच्छा। तो इसलिए हम इंडियन ही बेच रहे हैं क्योंकि बिजनेस वही होता है जो लोगों के साथ मिलकर चले। ठीक है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपसे अगर कोई जो व्यूअर्स है वो अगर कितने पेयर मैक्सिमम या मिनिमम कितने मंगवा सकता है। देखिए घर बैठे बैठे तो 40 पेयर मिनिमम मंगवा सकता है। अच्छा। जो एक कार्टून के अंदर 40 पेयर आते हैं जिसका खर्चा ऑलरेडी वो 500 या 600 जब वो परचेज के मतलब देते हैं तो उसका खर्चा जब वहीं से निकलेगा तो कम से कम 40 पीस तो लेने पड़ेंगे जो आपका खर्चा निकल जाए उसमें। ठीक है भाई। क्योंकि 10 रुपए जोड़ी मान के चलो उसमें खर्चा लगता ही लगता है 40 पीस में। एक ये है भाई कि जैसे कि अगर वीडियो में हमने दिखाया 160 रुपए लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो वो 180 हो जाता है, वो ऐसा क्यों होता है। वो मैं बताऊँ आप, उसकी भी ये है कि हमारे जो यूट्यूबर है जो वीडियो बनाते हैं उनसे यही बोलना चाहिए कि जब हम 140 कह रहे हैं आपसे तो 140 का दुकान में जूता होना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं, कम रेंज तो दिलवा देते हैं। ये यूट्यूबरों की वो नहीं है, ये है दुकानदारों की। दुकानदार को कहना चाहिए कि अगर हम 140 का जूता हमारी दुकान पे है तो 140 ही दिलवाएं। इसके मतलब ये नहीं कि 80 रुपये दिलवाते 60 रुपये दिलवाते, वो गलत है, वो व्यवहार के खिलाफ है। क्योंकि वो लोग वीडियो देख के आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें देख के आते हैं रेट के समेत। जब वो दुकान पे आते हैं तो उनको रेट दूसरा मिलता है, तो यानी कि बढ़ावा ही मिलता है। जब आप 80 रुपये डाल लो, जब तुम्हारी दुकान में 140 का जूता है, 80 रुपये क्यों डाल लो, 140 ही डालो। 140 ही डालो क्योंकि व्यवहार खराब होता है। वो लोग आते इतनी दूर से चल के अपना किराया वार करके टाइम खरीद करके या किसी से पैसे लेके क्या कहीं से भी इंस्टॉलमेंट पर डालते हैं, किसी पर डालते हैं, वो लोग मेहनत करके आते हैं लेकिन जो यहाँ उनको धोखा मिलेगा तो क्या फ़ायदा, वो उसका टच खत्म हो जाता है। तो ये लोग जो गलती करते हैं ना, यहाँ के दुकानदारों को गलती है, ये नहीं करना चाहिए। जो आपके पास रेट है वही रेट डालो। और एक भाई जैसे कि ट्रांसपोर्ट से भी माल मंगाते हैं, एक कस्टमर ने मेरे से पूछा था कि भाई ट्रांसपोर्ट से मेरा माल आया था तो उसमें 4-5 पेयर अलग भेज दिए थे, वो ये बल्ली मारन में ही स्पेशली ऐसा क्यों करते हैं भाई। तो मैं बता दूं उसकी वजह, ये जो बल्ली मारन वाले हैं जो करते हैं ये इनकी गलती है। ये सोचते हैं एक दफ़ा देसी मुर्गी काट ली जो अंडा दे रही है, सोने का अंडा जो रोज़ खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। इनको क्या है कि पैसे आते ही अंदर करने के बाद इनको ये नहीं देख रहा कि व्यवहार हमारे पास पैसे लेके आ रहा है तो इसके साथ हम अगर सही करेंगे सुलूक तो ये दोबारा भी आएगा, ये नहीं सोचते। ये तो फटाफट मुर्गी काट के खाने की सोचते हैं, तो वो गलत है इनकी सोच। इनकी सोच हटानी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास ये आइटम 4 पीस है तो उसको बोलो 4 पीस ही दूंगा मैं आपको, मेरे पास 4 ही है, वो दूसरा पसंद कर लेगा। आप उससे क्यों कहते हो 8, आप क्या है कि आप 4 नीचे दूसरा घुसेड़ लो तो वो क्या है, व्यवहार खराब हो जाता है। तो ये दुकानदार जो है समझते नहीं इस बात को, ये दिमाग में अगर जिस दिन बिठा लें तो व्यवहार बढ़ जाएगा। वो ये क्यों सोचते हैं कि वो लेगा नहीं हमसे, वो गलत फहमी है। वो लेगा, ये नहीं पसंद आएगा, आपके पास 4 ही है, वो 4 की जगह दूसरा ले लेगा पसंद करके। जरूरी नहीं है कि वो नहीं लेगा आपसे, ये डर निकाल दो। ऊपर वाले ने जितनी रोटी रोजी लिखी है हमारे नसीब में वो मिलेगी, तो आप डरो नहीं, 4 जोड़ी बेच के चले आओ घर। जरूरी तो ये 16 बेच के जाओ, 4 बेच के चले आओ। तो ये वजह है इस लोग से, इस वजह से ये गलत काम करते हैं। मैं इनको बार बार समझाता हूँ, आप 4 बेचो, 8 मत बेचो, 4 के पैसे ले आओ घर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपसे कि जो बल्ली मारन में आता है या फिर वीडियो देखता है, चाहे वो किसी भी होलसेलर की हो या आपकी भी वीडियो देखते हैं, तो ऐसा आपके शूज़ में या आपके पास ही वो कस्टमर क्यों आए कि वो आपसे ही खरीदे। देखिए मेरी बात सुनिए, इतने बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए, मुझसे 10 दुकान दुगना वैरायटी है उनके पास। सिर्फ क्या है कि उनका लहजा सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है। मैं बार बार उनसे बोलता हूँ कि ये जितने भी आते हैं सब मेरे व्यवहार पे आते हैं, ये मेरी वैरायटी पे नहीं आते, मेरे व्यवहार पे आते हैं। क्योंकि यूँ व्यवहार आपका सही नहीं है तभी तो ये आप लोगों के मेरे पास, हर दुकानदार के मेरे पास व्यापारी क्यों आते हैं मेरे पास, क्यों, क्योंकि मेरे व्यवहार की वजह से आते हैं। मुझे पसंद ही यूँ कर आता, पूरा वर्ल्ड इनको पसंद करता है मुझे कि मेरा व्यवहार अच्छा है। क्योंकि मैं घर में आए मेहमान की इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मेरे फादर मदर की इज्जत होती है। क्यों, 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 हर कोई ये कहता है कि ये फादर मदर की सीख से आज यहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए आप अगर लोगों की कदर करोगे, इज्जत करोगे, तो इसमें आपकी फादर मदर की इज्जत बढ़ेगी। एक भाई
एक मेरे व्यूअर्स ने ये भी पूछा था, जैसे मान लो ये शूज है, इसका आपने मान लो 160 या अभी 180 कुछ बताया इसका प्राइस, नेक्स्ट वीडियो में सेम शूज का प्राइस आपका 180 या 200 हो जाता है, वो ऐसा क्यों होता है, चेंज क्यों हो जाता है? देखिए मैं बताऊँ, ये लोग जो करते हैं ना, मैं तो अभी ये बार बार कहता हूँ जो रेट है वही रेट रखो। जब पीछे से फैक्ट्री से बढ़ेंगे वो बात की बात है, जब आप बढ़ाओगे, जब आप पीछे से बढ़ने नहीं है, मैं तो कोशिश ये करता हूँ आज भी 10 रुपए कम बेचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग जो ले गए हैं वो तो ले गए, अब उनका बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं तो उनसे कहता हूँ आप 10 रुपए और कम दे जाओ, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। मैं बढ़ाता नहीं हूँ, मैं और घटाता हूँ, लेकिन ये लोग जो है ना बढ़ाते हैं वो गलत करते हैं। आपके पास रेट बढ़ के आया है तो उसको बोलो कि भाई इतना रुपया बढ़ के आया, इतना है, जब नहीं बढ़ गया है तो ऑलरेडी नहीं बोलो कि नहीं, आज भी मैं 2021 में भी माल बेच रहा हूँ तो 2020 की रेट से बेच रहा हूँ, जो नए आइटम आ रहा है ना, जो 20-20 रुपए भी महंगे आते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ भाई कि 10 रुपए सस्ता और देके जाओ, आपका काम जाए, क्यों, क्योंकि आपका व्यवहार सही होगा, आज नहीं कमाएंगे कल कमा लेंगे, ये तो माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है। इनको कोऑपरेट करना चाहिए कि जो आज लोग परेशान है उनके साथ कोऑपरेट करें, आज हम 5 नहीं कमाएंगे 2 कमा लेंगे, कल 10 नहीं कमाएंगे 5 कमा लेंगे, तो थोड़ा कम करके चलें, जो जिन लोगों को व्यवहार, और उन लोगों को हमने कोऑपरेट कर लिया तो ये व्यापारी तो 10 को और लेके आएगा इस मार्केट के अंदर, कि यहाँ आप जाओ चीज़ भी सही है, व्यवहार भी सही है और माल भी सही है, रेट भी सही है, तो ये लोग सोच लें तो यह काम आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने यूनिवर्सल शूज़ के जो भाई हैं ओनर हैं उनसे आपसे अभी आपके सामने पूछे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको इनसे कुछ और भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे डायरेक्टली वो आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैं पूछ लूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।